हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रे। तो ये देखिए, आज बनाएंगे हम नवरात्रे स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी। तो ये 150 ग्राम मैंने साबूदाना लिया और 2 घंटे पानी में भिगो कर रखा सॉफ्ट होने तक। और गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और 2 चम्मच डाल देंगे देसी घी। सबसे पहले मूंगफली फ्राई करेंगे। हम मूंगफली फ्राई हो चुकी हैं फ्रेंड्स। एक बर्तन में निकाल लेंगे। बचे हुए घी में थोड़ा सा डाल देंगे ज़ीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे और एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अच्छे से भून लेंगे मिर्ची को भी। बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है फ्रेंड्स। मिक्स कर लेंगे। और मैंने 2 आलू बॉईल किए हैं जो टुकड़ों में काट लिए हैं, वो भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे टमाटर के साथ। 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स। भिगा हुआ साबूदाना ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पास में खाया भी जाता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक बड़ा नींबू का जूस डाल देंगे। और मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा धनिया पत्ती डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक पका लेंगे। मिलाते रहेंगे साथ के साथ। तो फिर लास्ट में मूंगफली ऐड करेंगे जो मैंने फ्राई करके रखी थी। ताकि उसका क्रंचीनेस बना रहे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, देखने में भी खाने में बहुत टेस्टी।